हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीप्ति मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी जो ये वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? The methods of obtaining food by an organism is called mode of nutrition. मेथड्स, द मेथड्स, द वे, यानी वो तरीका जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिजम्स फूड को ऑब्टेन करता है, फूड प्राप्त करता है, उन सभी तरीकों को हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस मेनली इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके से मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होता है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक and second one is heterotrophic. What is autotrophic mode of nutrition? The mode of nutrition in which living organism prepare their food itself. In which living organism prepare their food itself. yani न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। एंड द ऑर्गेनिजम्स विच परफॉर्म द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? ऑल द ग्रीन प्लांट, ऑल द ग्रीन प्लांट, जितने भी हरे पौधे होते हैं आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उन सब में कौन न्यूट्रिशन का कौन सा तरीका रहेगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस रहेगा। इसके अलावा क्या बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं? इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को नहीं अपनाते हैं। केवल कुछ ही बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। बैक्टीरिया का अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, हम इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं। वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। व्हाट डू यू मीन बाय हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस? हेटरो मींस अदर एंड ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन। इट मींस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज, ये तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहले का नाम है, फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। यानी हेटरोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है उसके तीन तरीके रहेंगे। पहला है सेप्रोट्रॉफिक, दूसरा है पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। फर्स्ट वी कम एट सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस?
द वे ऑफ न्यूट्रिशंस या द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी न्यूट्रिशंस का वो तरीका जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना बनाते हैं, यानी मरे हुए और जो गला सड़ा मैटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर से खाना निकालते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, या फिर ऐसे कौन से जीव हैं जिनके अंदर सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस रहेगा, उनके एग्जाम्पल्स में लिखेंगे हम फंगी, फंगी में लिख सकते हैं हम राइजोपस, म्यूकर और ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच परफॉर्म द सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर नोन एज सेप्रोट्रोप्स, ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रोप्स नाम देंगे और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में एक्चुअली होता क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को पहले अपनी बॉडी से बाहर ही वहीं क्या कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं उस डाइजेस्टेड मैटर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, यानी डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके बॉडी के अंदर डाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि ये डाइजेस्ट किया हुआ खाना ही क्या करते हैं, कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी विदाउट किलिंग इट, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से ही वो न्यूट्रिशंस को लेंगे बिना दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मारे, पर उसको वो हार्म जरूर करेंगे, क्या करते हैं वो उसको हार्म करते हैं, उसको किल नहीं करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन द डेफिनेशंस ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी विदाउट किलिंग इट, यानी बिना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारे वो उसकी बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं। जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से ही वो न्यूट्रिशंस को लेते हैं या जिसके ऊपर वो रहते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन लेता है उसको बोलते हैं हम पैरासाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, इसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं जिनके अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो कस्क्यूटा का जो प्लांट होता है उसके अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन रहता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कस्क्यूटा को हिंदी में हम अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल जो है वो किसी दूसरे प्लांट से क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन लेती है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स में आती हैं लाइस, सिर हमारे सिर में जूएं हो जाती हैं, पर वो क्या करती हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करती है, बट उससे क्या लेती है, न्यूट्रिशन लेती रहती हैं। या फिर इसका अनदर एग्जाम्पल है लीच, इसके अलावा एग्जाम्पल्स है टैपवर्म, हमारी बॉडी के अंदर या फिर एनिमल्स की बॉडी के अंदर वर्म कीड़े हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जो किस चीज का एग्जाम्पल है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक कॉम्प्लेक्स एंड सॉलिड फूड इनसाइड इट्स बॉडी एंड आफ्टर इंजेशन दे डाइजेस्ट द इंजेस्टेड फूड एंड आफ्टर दैट दे एब्जॉर्ब इट, यानी न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स और सॉलिड फूड को लेते हैं, उसके बाद किस प्रोसेस के थ्रू वो सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड को लेके जाएंगे अपनी बॉडी के अंदर, इंजेशन की प्रोसेस के थ्रू बॉडी के अंदर लेके जाएंगे। जब वो अपनी बॉडी के अंदर उस खाने को लेके जाते हैं उसके बाद वो उसकी बॉडी के अंदर उस खाने का क्या होता है, डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद फिर क्या होता है, उस खाने को वो एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। एग्जाम्पल कौन कौन से रहेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के, ह्यूमन बींग के अंदर क्या रहता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। अमीबा के अंदर भी किस चीज कौन सा रहेगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा। पैरामीशियम,
इनके अंदर भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। हमने अभी तक क्या किया है, क्या पढ़ा है, मैं अगेन एक बार रिपीट करती हूँ। आज हमने डिस्कस किया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन लेने के तरीके कौन कौन से होते हैं, किन तरीकों से लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाने को प्राप्त करता है, ऑब्टेन करता है। मेनली दो टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन की टाइप है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाएंगे। हेटरोट्रॉफिक्स में वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपना खाना बनाने के लिए, खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ये फर्दर थ्री कैटेगरी में रहता है, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स गली सड़ी चीजों से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना ले रहे हैं, न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, उस तरीके को हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग इट, उसको बिना मारे उसकी बॉडी से क्या करता है वो न्यूट्रिशंस लेता है। नेक्स्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स और सॉलिड फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसको डाइजेस्ट करेंगे, जबकि सेप्रोट्रोफिक डाइजेस्टेड फूड को ही क्या करते हैं डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।